ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब तक हमने देखा है कि शेयरिंग से किस तरह अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बन कंपाउंड मिथेन। हमने मिथेन के स्ट्रक्चर को भी देखा है। मिथेन कार्बन का एक बहुत ही सिंपल कंपाउंड है। इसमें एक कार्बन चार हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है एक एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। चैप्टर की शुरुआत में हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमने देखा था कि कितने सारे कंपाउंड्स कार्बन से बने हुए हैं। इन फैक्ट वी आर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वास्तव में हम खुद भी कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट्स वर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूले केमिस्ट्स को पता हैं, उनकी संख्या 3 मिलियन है, 30 लाख। दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। कार्बन कंपाउंड्स को छोड़कर और जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर उन सभी को एक साथ रखा जाए तो भी कार्बन कंपाउंड की संख्या उनसे ज्यादा होगी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होगी। Why is it that this property is seen in carbon and no other element? ऐसा क्यों है कि ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन में है और किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं है? The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. कार्बन कंपाउंड के कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया ही उसे इतने सारे कंपाउंड्स बनाने देती है। टू फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन आर। इस संदर्भ में दो चीजें नोटिस की गई हैं। पहला, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। कार्बन के पास एक विशेष क्षमता है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिससे बड़े बड़े कार्बन चेन्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, व्हाट इज कैटिनेशन, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। ये कंपाउंड या तो कार्बन के लंबे लंबे चेन बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन्स, या फिर ब्रांच्ड चेन बना सकते हैं। ब्रांच्ड का मतलब है स्ट्रेट लाइन में कार्बन अरेंज्ड हों और उनके ऊपर नीचे भी कुछ कार्बन एटम्स अटैच्ड हों। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स रिंग भी बना सकते हैं जिसमें चेन का आखिरी कार्बन एटम फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ा होगा। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इसके अलावे कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। कारण कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि दो कार्बन एटम केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें किसी भी कार्बन एटम के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही हो, उन्हें हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड है या नहीं, तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाकर देखना चाहिए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जिनमें किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। जितना कैटिनेशन कार्बन शो करता है, उतना उस ग्रुप का कोई भी एटम शो नहीं करता। सिलिकन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 or 8 एटम्स। सिलिकन भी कार्बन की तरह चेन बनाता है, लेकिन वो 7 से 8 एटम तक की ही होती है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन वो काफी रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। दो कार्बन के बीच बना बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए स्टेबल होता है। दिस गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। और यही कारण है कि हमें लंबी लंबी कार्बन चेन्स मिलती हैं। सेकंड, सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसीलिए वो किसी 4 कार्बन से कंबाइन कर सकता है या फिर किसी 4 मोनोवेलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, उनसे डायरेक्टली कंबाइन कर सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल।
कार्बन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और भी बहुत सारे। और जो फाइनल कार्बन कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि कार्बन को छोड़कर उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। और ये जो कार्बन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है और इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी काफी स्टेबल होते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। कार्बन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का एक कारण उसकी छोटी साइज भी है। दिस एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली। कार्बन छोटा है इसलिए वो शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रख पाता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। और उसी ग्रुप के जो बड़े एलिमेंट है जैसे कि सिलिकन और जर्मीनियम, वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो उनकी साइज के कारण वीक हो जाती हैं, कारण कि वो बड़े हैं और शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाते। द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन की ये दो प्रॉपर्टी कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी चार हो, और कैटिनेशन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो खुद से कनेक्ट करते हों और बड़े बड़े बॉन्ड बनाते हों। तो ये दो चीजें कार्बन में देखी गई। मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। अलग अलग कार्बन चेन्स में कार्बन को छोड़ के अलग अलग एटम्स भी अटैच्ड रहते हैं। दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस एंड इट वॉज थॉट दैट दीज कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम। पहले कार्बन के कंपाउंड्स को नेचुरल चीजों से, प्राकृतिक चीजों से एक्सट्रैक्ट किया गया, और पहले ये मान्यता थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये केवल लिविंग सिस्टम में ही फॉर्म होते होंगे और इन्हें केवल हम लिविंग सिस्टम से ही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। दैट इज इट वॉज पॉस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। और एक थ्योरी दे दी गई वाइटल फोर्स की, जो एक विशेष तरह का फोर्स है जो कि लिविंग सिस्टम में पाया जाता है और ये जरूरी है कार्बन कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए। फ्रेडरिक होलर डिस्प्रूव्ड दिस इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। फ्रेडरिक होलर ने 1828 में इसे डिस्प्रूव किया, इसे गलत साबित किया यूरिया बना के अमोनियम साइनेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद भी कार्बन के कुछ कंपाउंड्स को छोड़कर बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते रहे हैं। 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हमने ऊपर CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर देखा है। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विथ फॉर्मूला C2H6। अब मीथेन के बाद इथेन आता है जो कि दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। उसका स्ट्रक्चर यहाँ कुछ इस तरह का दिखता है। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम्स टूगेदर विथ अ सिंगल बॉन्ड एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। आपको यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को बनाना बताया जा रहा है कि आपको अगर किसी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है तो आप पहले ये पता करें कि उसमें कितना कार्बन है, और उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, और उसके बाद जो भी बची वैलेंसीज है उसे हाइड्रोजन एटम से आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप उसे लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप हाइड्रोजन का नंबर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर किस तरह बना ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इथेन है, एथ है, इसमें दो कार्बन एटम होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, यह कुछ इस तरह चलता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। 1 के लिए हम मिथ का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इथ है, इथेन है, इसलिए हमें ये पता चला कि इसमें दो कार्बन एटम्स हैं। तो हमने दो कार्बन एटम्स को इस तरह एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे अटैच कर दिया। अभी हमने दो कार्बन एटम्स को एक सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किया है, लेकिन हम जानते हैं कि दो कार्बन एटम सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड
कंटेन कर सकता है। इसलिए हमें यह बात वेरीफाई करनी होगी कि इन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है या फिर कुछ दूसरा है। तो इसमें हम कंपाउंड के नाम के सफिक्स को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे इथेन है, अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड, ईन है तो डबल बॉन्ड और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। ए एन ई एन, ई एन ई ईन और वाई एन ई आइन। अगर इथीन होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, अगर इथाइन होता तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता। तो चूंकि ये इथेन है इसलिए दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अभी हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी चार है, यानी कि इसके पास कुल अभी तीन लोन पेयर बाकी होंगे, तो उन्हें हम एक एक हाइड्रोजन एटम देके इसकी चार जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करा देंगे। और इस तरह आप कार्बन के कितने भी बड़े स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर 4.6C। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन? तो प्रोप है तो इसमें तीन कार्बन एटम होंगे, एन है तो हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और की वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा देंगे। विच हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। तो चूंकि फॉर्मूला दे दिया गया है तो और भी आसान है, आप इथेन की तरह ही प्रोपेन को भी लिख सकते हैं। यू विल सी दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम। हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्योंकि हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। इथेन ऊपर जो हमने बनाया वो भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड था। दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। हाउएवर अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज अ फॉर्मूला C2H4 इज कॉल्ड इथीन। अभी देखिए यहाँ पे ई एन ई ईन है, इसका मतलब है कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब चूंकि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, और अगर सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है तो ये रिएक्टिव कंपाउंड होगा। हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड? तो हम इसको किस तरह दिखाएंगे? तो इसको यहाँ पे इस तरह, ये स्टेप थ्री में आपको यहाँ पे पिक्चर बन के आया है इसका। वी फॉलो द सेम अप्रोच एज अबव। तो ऊपर जो हमने प्रक्रिया फॉलो करी थी वही हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि यह सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने ईन को देखा, तो चूंकि ईन है इसलिए डबल बॉन्ड, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो बाकी वैलेंसी बची दो दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, और दो बची तो हमने दो दो हाइड्रोजन एटम हर कार्बन के ऊपर अटैच कर दिया और बन गया हमारा इथीन। ईच कार्बन एटम गेट्स टू हाइड्रोजन एटम्स टू गिव ये वाला स्ट्रक्चर। ऊपर हमें प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया था, तो प्रोपेन मैंने यहाँ बनाया है। प्रोपेन में तीन कार्बन एटम, तो तीन कार्बन को मैंने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, कारण कि एन था इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड लगाया। उसके बाद जो बची वैलेंसी उसे हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराया और ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चर। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन इज गिवन इन फिगर 4.7। इथीन C2H4 का स्ट्रक्चर यहाँ है। येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज द फॉर्मूला C2H2 कॉल्ड इथाइन। अब मैंने आइन के बारे में बताया था, अगर वाई एन ई आइन हो इसका मतलब है कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन? तो इसमें भी कुछ नहीं है, आइन है, हमें पता चल गया कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम पहले दो कार्बन ड्रॉ कर लेंगे सिंपल इसी तरह सी और सी लिख के। उसके बाद में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम तीन बॉन्ड लगा देंगे दो कार्बन के बीच में, बाकी हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तीन बॉन्ड लग चुके हैं, तीन तीन वैलेंसी हर कार्बन की सेटिस्फाई हो चुकी है। अभी एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे दोनों कार्बन पे, हो गया, बन गया हमारा इथाइन। कैन यू ड्रॉ? ओके भैया, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज? तो तीन बॉन्ड चाहिए। सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखते हो उन्हें हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। 4.2.2 चेन्स ब्रांचेस एंड रिंग्स। इन अर्लियर सेक्शन वी मेंशन्ड कार्बन कंपाउंड्स मिथेन इथेन एंड प्रोपेन कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 1, 2 and 3 कार्बन एटम्स। ऊपर के सेक्शन में हमने मिथेन इथेन और प्रोपेन को देखा है जो कि रेस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स से बने सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम कैन कंटेन टेन्स ऑफ कार्बन एटम। द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल 4.2।
तो यहाँ पे आपको कार्बन एटम के नाम दे रखे हैं इस टेबल 4.2 में, आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मिथेन में एक कार्बन एटम, इथेन में दो कार्बन एटम, प्रोपेन में तीन कार्बन एटम, ब्यूटेन में चार, पेंटेन में पांच, हेक्सेन में छह, हेप्टेन आता है HEPTANE, हेप्टेन उसमें सात, ऑक्टेन OCTANE उसमें आठ, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बट लेट अस टेक अ लुक एट ब्यूटेन। अभी यहाँ ब्यूट है, इसका मतलब चार कार्बन एटम होंगे इसमें। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन फॉर फोर कार्बन एटम्स, वी सी द टू डिफरेंट स्केलेटन्स आर पॉसिबल। अभी अगर हमें यह पता चल गया कि ब्यूटेन में चार कार्बन एटम है, तो उन चार कार्बन एटम को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो आप देखिए। या तो चार कार्बन एटम एक के बाद एक स्ट्रेट चेन में अरेंज किए जा सकते हैं, या फिर एक ब्रांच आ सकता है इसमें इस तरह का। बेसिकली क्या हुआ है कि एक कार्बन इस कार्बन को उठा के इन्होंने इस बीच वाले के ऊपर लगा दिया है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन गिव्स अस, अगर आप हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो आपको ये दो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के मिलेंगे। काफी अंतर दिखता है इनमें और इससे इनकी प्रॉपर्टी पे भी असर पड़ता है। वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव सेम फॉर्मूला C4H10। ये दोनों ब्यूटेन ही हैं, इनके फॉर्मूला भी C4H10 हैं। सच कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। फॉर एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन हैज अ फॉर्मूला C6H12 एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन को छोड़कर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो साइकिल के फॉर्म में बन जाते हैं, जैसे कि C6H12, साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसके कार्बन स्केलेटन को देखें तो ये कुछ इस तरह है, छह कार्बन एटम एक साइकिल में इस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, जो आखिरी कार्बन एटम है वो पहले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके वैलेंसीज को आप सेटिस्फाई कराएंगे हाइड्रोजन से तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? तो साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हर कार्बन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है और हर कार्बन एटम पे दो दो हाइड्रोजन एटम भी हैं, तो आप एक एक शेयर्ड पेयर हर एटम्स के साथ दिखा सकते हैं और इस तरह बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो या फिर साइक्लिक हो, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा हर कार्बन के बीच में तो उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है ब्रांच्ड में या फिर साइक्लिक में भी, तो हम उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन C6H6 एज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बेंजीन कुछ इस तरह का दिखता है कार्बन स्केलेटन में, हर पॉइंट पे हर बेंड पे एक कार्बन एटम है, इसे हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को हम लिखते नहीं है। आगे चल के ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी के लिए बेंजीन आप इस तरह लिख सकते हैं। बेसिकली ये इसी का एक प्रोटोटाइप है। बेंजीन में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, एक एक कार्बन को छोड़ के डबल बॉन्ड आता है, और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसीलिए हम इसे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करता हो, इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स, और दोज कंटेन वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्काइन्स। तो मैंने आपको एन, ईन और आइन्स के बारे में बताया है, वैसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि केवल सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हो उन्हें हम अल्केन कहते हैं, और वैसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड कंटेन करते हो उन्हें हम अल्कीन्स कहते हैं, और वैसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हो उन्हें हम अल्काइन्स कहते हैं। यहां से आप एन, ईन और आइन को रिलेट कर पाएंगे।